मुख्यमंत्री स्व स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के स्थायी निवासियों को सोलर पावर प्लांट लगाने की सुविधा दी जा रही है, जिसके लिए सभी जनपदों में लोगों के आवेदन आने शुरू हो चुके हैं, जिनमें से देहरादून में भी कुछ आवेदनों को स्वीकृति मिल गई है। इस बात को लेकर देहरादून की CDO झरना कमथान ने कहा कि मुख्यमंत्री स्व स्वरोजगार योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जो उत्तराखंड का मूल निवासी है और उसके पास निजी या लीज पर भूमि उपलब्ध है तो 200 से 2000 किलोवाट की क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर हमें कई आवेदन प्राप्त भी हुए थे, जिनमें से चकवाता क्षेत्र से 42 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं और हमने कुल 7375 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट स्वीकृत किए हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो उत्तराखंड का स्थायी निवासी है और जिसके पास अपनी निजी भूमि है या फिर लीज पर भूमि उपलब्ध है, वो अपना सोलर पावर प्लांट लगा सकता है, जिसकी क्षमता 200 से लेकर के 2000 किलोवाट तक हो सकती है। तो इसमें हमें जनपद स्तर पर जो समिति है उसके समक्ष जो है लगभग 68 के करीब आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 42 आवेदन स्वीकृत कर दिए गए हैं, उसमें LOA जारी कर दिया गया है और लगभग 7375 किलोवाट का जो है सोलर पावर प्लांट हमने अब तक स्वीकृत कर दिए हैं। ये मुख्यतः चकराता क्षेत्र के हैं, जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत आते हैं।